नए संसद भवन के उद्घाटन के पूर्व देश की 18 विपक्ष पार्टियों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अमृत काल में आगे बढ़ते हुए देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन विपक्षी दल आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत को देख कर व्यर्थ विलाप करने में लगे हैं। जब छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का भूमि पूजन हुआ तब तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को आमंत्रित न करके अपमानित किया गया और दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाकर दाऊ भूवेश ने जनजातीय समाज की अवहेलना की थी। आत्मनिर्भरता के दौर पे तेजी से आगे बढ़ रहे इस देश का गौरव और लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा का हमारा संसद का भवन बन के तैयार है, उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल से कहना चाहूँगा कि दोहरा चरित्र न दिखाए। और ख़ास तौर से मैं उदाहरण जब देता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं किस प्रकार का चरित्र भूपेश बघेल और कांग्रेसी का दिखता है। सोनिया गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया, मुझे लगता है कि ये अपमान है अनुसूचित जनजाति के गवर्नर का। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति के महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो उनको ये पच नहीं रहा है, इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उचित नहीं।